आज हम आ पहुंचे हैं सीरियल राधा कृष्ण के सेट पर। यूं तो राधा कृष्ण के सेट से जुड़ी हर खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कृष्ण यानी के सुमेध और राधा यानी के मलिका रियल लाइफ में कैसे हैं, कितनी मस्ती करते हैं, इनके बीच कितनी नोकझोंक होती है। और हाँ, मॉनसून का सीजन है तो आज ये दोनों बारिश के मौसम का लुत्फ उठाने हमारे साथ भी चलने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपका सुमेध और यहाँ पे आज बहुत प्लेजेंट मौसम है, बारिश का मौसम है और बारिश के साथ साथ कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। चाट हो, कुछ मसालेदार हो, चाय हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। और हमारी मलिका जी जो हमारी राधा है बहुत मेहनत करती है, दिन रात शेड्यूल उनका बहुत टाइट होता है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें सरप्राइज़ दूँ, क्यों ना उन्हें कुछ टेस्टी सा खाना वगैरह खिलाऊँ। अभी है, मैं उनको बुलाता हूँ। ये सारी चीज़ें जो उनको बहुत अच्छी लगेगी, ये देखो, मैं तो जानता हूँ आप सब जानते हैं क्या है, फिर भी ये समोसा, ढोकला, जलेबियाँ जो मलिका को बहुत पसंद है, फिर भजिया, और ये कुछ तो नया आइटम है, पता नहीं क्या है लेकिन बहुत टेस्टी है। तो मुझे लगा कि टेस्टी है तो लाना चाहिए। अब खाना तो आ गया, अब मलिका को लाते हैं। बारिश का दिन और गर्मा गर्म चाय, वाह क्या बात है, दिन की इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती। अरे रे रे, लेकिन ये चाय का थर्मस तो खुल ही नहीं रहा। अच्छा, इसके लिए एक पासवर्ड है। कान में एक तुम्हें पासवर्ड बोलना होगा, तुम्हारे लिए स्पेशल चाय। एक्चुअली इसके कान में कुछ बोलना होता है तो कब जाती है बोलता है, इसका कान ही है, बोलो कुछ। राधे राधे बोला, क्या बात है, कितने कैरेक्टर में रहती है। प्लीज़ हैव अ सिप और बताओ कैसी लगी। स्पेशली मैंने अपने हाथों से उनको कहा है कि प्लीज़ बनाओ ऐसा करो, और उन्होंने बनाई है, उन्होंने बनाई थी, बनवाई है। चाय की चुस्की और साथ में पकोड़े, अदरक इलायची वाली स्पेशल चाय का मजा दो गुना हो जाता है। तो मलिका, शुरुआत करते हैं ये नई आइटम से जो मैंने स्पेशल खाया हुआ है। नाम याद नहीं मुझे, पर है तो बहुत टेस्टी, तुम खा के बताओ तुम्हें तो कैसा लगा। पहले तुम खाओ। अरे तुम्हारे लिए लाया हूँ, पहले मैं क्यों खाऊँ। अच्छा है ना, खाओ फिर। अरे खाओ खाओ। अरे खाओ, को कौन से डाइट पे हो तुम। तुम्हारी बैग खोल के देखो, बालाजी चिप्स में इसके बैग से खा के आए। अच्छा है, धीरे धीरे सब ट्राई करते हैं, मुझे पता है तुम ही सब खाओगे। अब भजिया ट्राई करो। अरे मैं बता दूँ, ये एक सिप लो और भजिया खाओ, ये लो खाओ। अगर आपको ये लगता है कि सुमेध सिर्फ कान्हा बनकर राधा को सताते हैं तो लीजिए, ये भ्रम भी आज दूर हो ही गया। देखिए देखिए, आज तो सुमेध मलिका को हरी मिर्च खिलाकर ही रहेंगे। खातिरदारी हजम नहीं हो रही। अरे खातिरदारी तो अभी शुरू हुई है, छोटा सा भाई तो कुछ नहीं, अच्छा होता है, अच्छा होता है। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा तो इतना सा हो जाएगा। अरे इतना सा, फिर उसके बाद जलेबी भी है। I'm sorry. अरे it's okay. खा लो। You need to eat first. अरे मैं खा लूंगा। तुम एक बात बताओ, तुम्हें किसी फैन ने कुछ गिफ्ट किया, कुछ ड्रेस गिफ्ट किया तो पहले उनको पहनाती हो क्या। नहीं ना, तुम पहनती हो ना, खाओ। छोटा सा भाई, छोटा सा भाई। अरे खाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मैं खाती, तुम तो खाओ, फिर मैं पक्का खाऊंगी। मैं क्यों खाऊं, तुम्हारे लिए लाया हूं। तो अच्छी बात है, तो शेयर करके खाना चाहिए। बिल्कुल, अरे तुम खाओ तो सही। जैसी करनी वैसी भरनी, मलिका को मिर्ची खिलाई ना तो खाइए, आप भी मिर्ची खाइए सुमेध। नहीं है स्पाइसी बाबा। आ बहुत तीखा। नहीं है तीखा, खाओ। अब आप क्या करते, ढोकला खाते,
बहुत अच्छा मलिका ने सब खाया। मलिका ढोकला अच्छा आराम से खाओ। अभी वो गुस्सा देख रहे हो, इनोसेंस ही हमारी मलिका कितना गुस्सा करती है। अरे रे 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 कहाँ चले ये चाय समोसा पार्टी बीच में ही छोड़कर कहाँ चले। तो ये है हमारे लोगो सर, हमारे डायरेक्टर, द स्वीटेस्ट डायरेक्टर। इनसे अच्छे डायरेक्टर आज तक मैंने कभी कहीं देखे नहीं। इतनी स्वीट, इतनी अच्छी, इतनी सपोर्टिव और इतनी पोलाइट, इतनी रिस्पेक्टफुल। तो सर मैंने आज मलिका के लिए सारी चीज़ें मंगवाई थी। किस खुशी में ऐसी बहुत मेहनत कर रही है ना आजकल। वाह तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो मेरे साथ नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा है ये बड़ा खुश। बट ये सारी चीज़ उसके लिए ली थी। तो आप आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी किसी एक रेसिपी का आनंद लें। चाहे ढोकला हो, जलेबी तो आप नहीं खाओगे, समोसा नहीं। आप बताइए कैसा लग रहा है मेरे मन कर लिए। देखो मैंने स्पेशली ये भी मंगवाया जिस पे आर लिखा आर बोल रहा था। ओह माय गॉड स्पेशली उसके कान में राधे राधे बोलो तो गर्म चाय। चाय का आनंद ले लिया, जलेबी, पकोड़े, समोसे वगैरह वगैरह भी खा लिए। अब जरा मौसम का आनंद ले लिया जाए। हाथ में छाता पकड़कर मलिका सुमेध को ले चली है अनजान राहों पर। आपने मुझे इतनी सारी चीजें खिलाई हैं तो मेरे पास भी कुछ है। क्या जहर? अरे क्या बात है, जो शायद आपको बहुत पसंद है, मेरा तो बहुत फेवरेट है। गेस करो क्या है? जहर। वो तुम हमेशा तुम ऐसे ही बोलोगे। लाए क्या हो? गेस करो क्या हो सकता है इस मौसम में। इस मौसम में पता नहीं, पानी पूरी। पानी पूरी लेके आऊंगे मैं यहाँ पे। तो क्या लगा बताओ ना। अरे क्या बात है, कौन लाए हो तुम, कौन हो तुम, तुमने क्या किया है मेरे लिए, तुम मेरे लिए कौन लाए? हाँ तो सबसे बेस्ट है ये बारिश में, खाओ। वाह भुट्टा, इसे कहते हैं असली मॉनसून पार्टी। चलिए अब ये भी बता दीजिए सुमेध और मलिका, आज का ये मॉनसून डे आउट कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल सही कहा मलिका ने। मुझे तो बहुत मजा आया, मेरे दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है। मैंने आते ही मलिका को जो समोसे लाए थे वो मैंने खाए, चाय पी और क्या चाहिए। फिर मलिका इतनी मेहनत करती है तो उनके लिए मैं कुछ श्रद्धा से कुछ कर पाया। उनके लिए मैंने अलग अलग तरीके वड़े लाए जो मैंने कभी देखे भी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मलिका जी ने मेरे लिए मिर्ची खाई। मलिका किसी के लिए कुछ कर रही है ऐसा दुनिया ने देखा। क्या दिन था आज का, बाप रे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मलिका ने मेरे लिए कौन लाया है तो अच्छी बात है, तारीफ करो। ताने मार रहे हो क्या? मैं कहां से ताने, क्यों ताने लग रहे हो? मैं पूरी दिल से तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ जो तुम्हें कभी उस पर विश्वास होता ही नहीं कि मैं तारीफ भी कर सकता हूँ। नहीं मैं कर रही हूँ विश्वास। मेरे लिए कौन लाया? अब मुझे और समझ नहीं आ रहा मिर्ची लाई मैं कौन। मैंने वही खाई। अरे यही तो जिंदगी है, जिंदगी में तीखापन बहुत होता है। कैसा लगा तुम्हें? कौन कौन? छाता, बारिश। अरे हाँ तुम ही लाई हो सब, बारिश भी, छाता भी। यहाँ पर आए हो तुम पहले कभी? देखो मैंने ढूंढी है ये जगह। बिल्कुल बहुत अच्छे। कैसे ढूंढी, क्या कर रही थी यहाँ पे तुम अकेले? पता लग जाता है लोगों से। आशा करते हैं कि हमने जो थोड़ा सा टाइम निकाला शूट से जो कि हमें बिल्कुल नहीं मिलता है, थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए आपको अच्छा लगा हो। और सुमेध आपको भी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही हमें, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ। बहुत अच्छा। एक बहुत बड़ा ताना था जो आप समझेंगे नहीं। नहीं नहीं तो, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस मलिका, दिस कॉर्न एंड दिस रेन विच यू गॉट फ्रॉम समवेयर आई डोंट नो वेयर एंड दिस प्लेस एंड दिस अम्ब्रेला। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। अभी हमें जाके वापस शूट करना होगा। बट ये बीच बीच में छोटे मोटे पल आपके साथ बताते हैं। वी एन्जॉय देम अ लॉट।
एंड वी कैन ट्रूली हैव फन विद यू गाइस. सो लेट्स होप वी सी यू गाइस सून अगेन. हम दोनों की तरफ से आप सबको हैप्पी मॉनसून. प्लीज़ टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स अराउंड यू. स्पेशली मुंबई में बहुत बारिश है, हाई अलर्ट पर हैं चीज़ें. प्लीज़ ध्यान रखिए, जब तक सच में नेसेसरी ना हो, घर से बाहर ना निकले. कुछ चीज़ें जो सच में न्यूज़ में आ रही हैं कि वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है रहना, तो उस प्लेसेस में जाना अवॉइड कीजिए. छोटी छोटी चीज़ें अपना ध्यान रखिए. बाकी यही बारिश का मौसम सबको प्यारा, और यही आजकल थोड़ा डेंजरस भी है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना. हैप्पी मॉनसून टू यू गाइस. थैंक यू. नवीन सिंह भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24.